हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोमाली। तो आज की जो वीडियो मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। और इस वीडियो को बनाने का बहुत सारे रिक्वेस्ट मेरे पास आए थे। तो इस तरह की वीडियो एक्चुअली मैं अपने चैनल में नहीं बनाती, पर आप लोगों के लिए इस वीडियो को मैं बना रही हूँ। और वो है मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर। ये है एक मेंस्ट्रुअल कप के बॉक्स, इसका पैकेजिंग कुछ ऐसा आता है। और अभी मैं आपको दिखा दूँ ये जो कप है ये दिखता कैसे है। ये जो मेंस्ट्रुअल कप है ये कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल कप की तरह। और नीचे का जो ये एक छोटा सा पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट ऐसे निकला हुआ है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करूँ, तो इससे पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जब इसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसे मैं शुरू से बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी को इसके बारे में पता है, तभी आपने मुझे रिक्वेस्ट किया है, आई नो। पर ऐसे कई सारे लेडीज हैं जिन्होंने इसे देखा तो है, पर इसके बारे में एक्चुअली नहीं जानते कि ये क्या है, किस तरह से एक्चुअली यूज़ करते हैं, तो ये सारे चीज़ें। तो मैं चाहती हूँ इसके बारे में एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन दूँ इसका, कि ये एक्चुअली मेंस्ट्रुअल कप है। तो ऑब्वियसली ये पीरियड्स के टाइम में यूज़ किया जाता है। इसके हम पैड यूज़ करते हैं पैंटी के साथ, और उसके बाद उसे हम डिस्पोज कर देते हैं। पर ये जो मेंस्ट्रुअल कप है इसे हम डिस्पोज नहीं करते, ये एक कप 10 साल तक आप यूज़ कर सकते हैं। और इसे सेट किया जाता है इनसाइड में, जहाँ से पीरियड्स के टाइम में ब्लड निकलता है, बिल्कुल वहाँ पे इसे सेट किया जाता है। और जो भी पीरियड्स के टाइम में जो ब्लड आता है वो यहाँ पे स्टोर होते हैं, इसके अंदर वो स्टोर होते हैं। और उसके बाद इसे निकाल के आप ब्लड को फेंक सकते हैं, और फिर इसे प्लेन वाटर से आप क्लीन कर लीजिए और इसे फिर से सेट कर लीजिए अंदर। तो यही होता है एक्चुअली इसका काम। तो अभी मैं बता दूँ कि इसे किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो ऑब्वियसली इतना बड़ा जो है ये आप ऐसे ही तो यूज़ नहीं कर सकते, तो इसे एक फिंगर यहाँ पे लगाइए, लगाने के बाद इसे ऐसे फोल्ड कर लीजिए। अभी इसका जो शेप है ये आप देख सकते हैं, तो अभी ये आराम से चला जाएगा। और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो इसे ऐसे कर लीजिए, और फिर जब ये अंदर चला जाएगा तो इसे जस्ट छोड़ दीजिए, ये अंदर सेट हो जाएगा अपने आप। पर आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट बाहर की तरफ ना रहे, तो आपको इरिटेशन फील होगा। बस इतना, ये जो छोटा सा जो एक पार्ट है ये ही सिर्फ बाहर रहना चाहिए, और बाकी के पूरा जो कप है ये अंदर ही रहना चाहिए। और अभी मैं आपको बता दूँ, ये 3 साइज़ के आते हैं, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। तो ये है मीडियम साइज़ के। तो किस तरह से आप अपने साइज़ जान पाएंगे कि कौन सा वाला साइज़ आपके लिए सूटेबल होगा या आपको चाहिए? तो आपके फिंगर के जब यहाँ तक अंदर आप इंसर्ट करेंगे, तो अगर इतना यहाँ तक जाने के बाद अगर वो अटक जाते हैं किसी भी चीज़ से, तो आपको मानना है कि आपको स्मॉल साइज़ ज़रूरत है। और अगर आपका पूरा फिंगर जो है वो अगर पूरा फिंगर अगर चले जाते हैं, तो आपको मानना है कि आपको मीडियम साइज़ चाहिए। और पूरा फिंगर जाने के बाद भी अगर जगह बच जाते हैं, मतलब आपको लगता है पूरा फिंगर अंदर जाने के बाद भी जगह किसी भी चीज़ से नहीं टकरा है आपके फिंगर, दैट मीन्स आपको लार्ज साइज़ चाहिए। तो इस तरह से आप अपने साइज़ चूज़ कर सकते हैं। तो इसे जब आप पहली बार यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत दर्द होगा, तो ऑब्वियसली ना, अगर बाहर की कोई चीज़ अगर आप अपने अंदर 3 से 4 दिन तक कंटिन्यूसली रख देंगे, तो थोड़ा बहुत इरिटेशन तो होगा ही, और हाँ दर्द भी थोड़ा बहुत होगा। पर इसे जब आप कंटिन्यू यूज़ करेंगे तब आपका ये जो फीलिंग्स है ये इसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा, यानी कि आप इसके साथ एडजस्ट कर लेंगे, तब आपको कोई भी इरिटेशन फील नहीं होगा। और जो दर्द, मतलब इसे सेट करने के टाइम में जो दर्द होता है वो दर्द भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो इसी तरह से ये काम करते हैं। तो अभी जो इस वीडियो का मेन कंटेंट है कि मेरा ओपिनियन इस चीज़ के बारे में, तो यही था एक्चुअली आप लोगों का रिक्वेस्ट कि एज अ वुमन मेरा क्या राय है मेंस्ट्रुअल कप के बारे में, मेरा क्या एक्सपीरियंस है। तो सच बोलूँ तो मेरा पहले को इसका बारे में एक्सपीरियंस ही नहीं था, क्योंकि मैं इसे पहले यूज़ नहीं की थी। तो मेंस्ट्रुअल कप के बारे में मैं बहुत पहले ही आपके साथ वीडियो शेयर कर सकती थी, पर जबकि मेरा खुद का अगर कोई एक्सपीरियंस ना हो तो आपके साथ मैं क्यों, मतलब कैसे इसके बारे में कोई वीडियो शेयर कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने भी यूज़ किया था ये, और मेरा वाला था थोड़ा सा महंगा, और ये थोड़ा सा मतलब ये मिनिमम रेंज का है,
क्योंकि जबकि इसके साथ मैं वीडियो बनाने वाली हूँ तो इसके लिए मैं इसे ज़्यादा महंगा नहीं लिया है। और मेरा वाला है पिंक, और पिंक का भी एक आता है, वो थोड़ा सा महंगा है और इसे आप 10 साल के लिए यूज़ कर सकते हैं, बार बार इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आपको महंगा वाला लेना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जब मैंने इसे यूज़ किया था पहली बार तो ऑब्वियसली मुझे दर्द हुआ था, मुझे बहुत इरिटेशन फील हुआ था, तो मैं जहाँ भी गई थी मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, क्योंकि तब मैं पहली बार इसे यूज़ कर रही थी और मुझे बहुत ही इरिटेशन हो रहा था और दर्द तो ऑब्वियसली हो रहा था। और जब भी मैं कुछ टाइम बाद इसे निकाल के मैं देखती थी, आई नो कि फिर से इसे सेट करना भी बहुत दर्दनाक होता है, फिर भी अगर ये फुल हो गया ब्लड से तो तब क्या करूँगी, तो ये सारी चीज़ मैं सोचती थी। तो बार बार इसे निकाल के देखती थी और फिर इसे क्लीन करके ऐसे ही, तो फिर से सेट नहीं कर सकते, तो उसके बाद इसे क्लीन करके फिर से सेट करती थी, दर्द होता था। और इस तरह से पूरे एक महीने में 3 से 4 दिन, मतलब एक महीने में जो पीरियड्स का जो टाइम होता है उस टाइम में मैंने इसे यूज़ किया। और मुझे लास्ट बार मैंने जो यूज़ किया था तो मुझे लगा चलो ठीक है, पर पैड मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ क्योंकि हम उसे शुरू से यूज़ करते आए हैं तो पैड के साथ ही हम ज़्यादा कंफर्टेबल है। और मैं अभी भी उसके बाद मैं अभी भी पैड ही यूज़ करती हूँ। और आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि पी करने के टाइम में कैसे होगा, मतलब ये निकल तो नहीं आएगा? तो ये बिल्कुल निकल नहीं आएगा क्योंकि पी आने का जो वे है वो अलग है और पीरियड्स के टाइम में जो ब्लड आता है उसका वे अलग है, तो दोनों के साथ कोई सिंक नहीं है। मीन्स ये मेंस्ट्रुअल कप का कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है कि ये आपके अंदर है, आप पी करने के टाइम में प्रॉब्लम हो सकता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बनाया गया है इस चीज़ के ऊपर ध्यान रख के ऑब्वियसली। तो आज के डेट में भी मैं ये सोचती हूँ कि मेंस्ट्रुअल कप, माना कि इंडिया में इतना भी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, कुछ लोगों को तो अभी तक पता ही नहीं है कि मेंस्ट्रुअल कप जैसा भी कुछ होता है, तो हर किसी के लिए मुझे मेरा ये वीडियो है। और जो लोग जानते हैं और मेरा व्यू जानना चाहते हैं, मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं, तभी वो लोग अगर सोच रहे हैं कि वो इसके बारे में सोचेंगे कि नहीं, तो ठीक है ना कि शुरू से हम पैड यूज़ करते आए हैं तो क्या बुराई है इसमें, अभी तो इतना उम्र हो गया है हमारा पैड यूज़ करते हुए, तो आगे का लाइफ भी हो जाएगा। पर अगर आप पर हाँ, या इस वीडियो में मैं कोई भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट या कोई भी प्रोडक्ट के साथ नहीं हूँ, मैं बस अपना ओपिनियन दे रही हूँ आपको, चाहे वो मेंस्ट्रुअल कप हो या चाहे पैड हो। अगर आपको लगता है मेंस्ट्रुअल कप इज मोर कंफर्टेबल देन पैड, देन यू आर राइट, क्योंकि ये आपका ओपिनियन है, आपके कंफर्ट लेवल के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। पर हाँ, ये भी मैं आपको गारंटी देती हूँ, मैं दूसरों के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, मेरे साथ साथ मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं, जो उनमें से दो एक फ्रेंड ही ये यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैड ही यूज़ करते हैं, तो उनके ओपिनियन भी मैंने लिए हैं इस वीडियो को बनाने के लिए। धीरे धीरे इसके साथ एडजस्ट हो जाता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एडजस्ट हो जाता है कि हर एक चीज़, कोई भी चीज़ अगर हम रेगुलरली यूज़ करते तो धीरे धीरे उसका आदत हमें पड़ चुका होता है। तो मेंस्ट्रुअल कप क्या है, इसे किस तरह से यूज़ करना है, कैसे कैसे साइज़ के आते हैं और आप अपना साइज़ कैसे चुन सकते हैं, विद मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर किया है। तो आई होप कि मेरा ये जो वीडियो है, मेरा ये जो एक्सपीरियंस है, ये आपका थोड़ा बहुत काम तो ज़रूर आएगा अगर आप सोच रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने के लिए। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, तो इसके साथ आप देख सकते हैं, एक बार ट्राई करके देख सकते हैं कि कुछ दिन बाद अगर आप इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं तो इसे आराम से यूज़ कीजिए, मतलब 10 साल तक एक कप को आप आराम से यूज़ कर सकते हैं और अपने पर्स में भी हमेशा रख सकते हैं, जब भी ज़रूरत पड़े तो उसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी मेरे पर्स में पैड रखती हूँ। एंड आई होप कि मेरा ये जो वीडियो है ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपके लिए क्या अच्छा रहेगा तो इस हिसाब से आप जा सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेंस्ट्रुअल कप आप लेना चाहते हैं तो अच्छे क्वालिटी का, और ये जो मिनिमम लेवल का है, मतलब इसका जो ये थोड़ा बहुत हार्ड है, सॉफ्ट है पर उतना भी नहीं जितना कि मैंने जो यूज़ किया है वो जितना सॉफ्ट है, तो हर एक क्वालिटी का ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप कोई भी अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो आप एज़ यूजुअल पैड यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और आगे से और भी इस तरह के अगर वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं ज़रूर इसे बनाने की कोशिश करूँगी। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे से और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए प्लीज़ फॉलो करते रहना मेरे इस चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।